तो दोस्तों वेलकम करता हूँ मेरे चैनल एसकेपी गार्डनिंग में, और आज हम देखेंगे एक अडेनियम प्लांट को कैसे रिपोर्ट करते हैं, उसके लिए कौन सा सॉइल मिक्सर यूज़ करना बेहतर रहेगा, तो वो रहा ये प्लांट। तो दोस्तों इसे ग्रो करने से पहले हम इसकी पास्ट स्टोरी थोड़ी जान लेते हैं। दोस्तों वो ऐसा था, इसका हमने बीच में से कट किया था और एक रेड पॉट में ग्रो करने के लिए छोड़ दिया था दोस्तों, और उसका नीचे वाला हिस्सा था वो हमने एक दूसरे से छोटे से पॉट में हमने ग्रो करने के लिए छोड़ दिया था दोस्तों। थोड़े दिनों के बाद इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुका था दोस्तों, जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, और नीचे वाला हिस्सा वैसे का वैसा था दोस्तों। 3 महीने के बाद इसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को हमको मिल चुकी थी, नीचे वाला हिस्सा तब भी वैसा का वैसा ही था, और ऊपर वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं दोस्तों वो रेडी हो चुका है रिपोर्ट करने के लिए। तो इसी प्लांट को हमने रिपोर्ट किया है इस वीडियो में, कैसे किया है चलो आगे जानते हैं दोस्तों। तो इसे रिपोर्ट करने के लिए हमने लिया है सैडो पॉट, जो आप देख सकते हैं इसके नीचे हमने 3 और एक बीच में 4 ड्रेनेज होल बनाए, और इसी में हम ग्रो करने के लिए इसे हम सैंड मैक्सिमम यूज़ करेंगे, सॉइल हम मिक्स करने वाले नहीं है इसमें दोस्तों, क्योंकि अच्छी ड्रेन सॉइल हमें चाहिए। और इसके अंदर हम बहुत 5-6 महीनों से ये बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो लगता है अब बनकर तैयार हो चुका है दोस्तों। इसके अंदर हमने बहुत सारे मतलब खाद डाली है दोस्तों, और ये आप जो लेफ्ट साइड देख रहे हैं वो एक्सएल है उसके अंदर, और चाय पत्ती है, और फ्रूट के जो ऊपर के पील आते हैं जो छिलके बोलते हैं जिसे, वो डाले, और वो पूरा कंपोस्ट हो चुका है, वो हम इस सॉइल मिक्स में यूज़ करने वाले हैं दोस्तों। और अच्छा खासा इसमें हम डालेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी खासी हो दोस्तों। तो और ये राइट साइड में आप जो देख रहे हैं वो खाद है दोस्तों, जो मतलब गाय भैंस का जो गोबर होता है दोस्तों वो है, वो भी अच्छा खासा सड़ चुका है, अब मिट्टी जैसा हो चुका है दोस्तों, वो भी हम इसमें डालने वाले हैं दोस्तों। तो अच्छा खासा अमाउंट हम इसका भी यूज़ करेंगे, और देखेंगे कि इसका रिजल्ट हमें कैसा मिलता है दोस्तों। ये फर्स्ट टाइम जो हमने रेडी किया था हम इस प्लांट को ग्रो करने के लिए यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, और बहुत ही आप देख सकते हैं अच्छे से कंपोस्ट हो चुका है दोस्तों, बहुत ही अच्छे से कंपोस्ट हो चुका है आप देख सकते हैं। और ये क्या, ये देखिए दोस्तों, ये हमें कुछ देखने को मिला है दोस्तों, ये कुछ वाइट कलर का कीड़ा है दोस्तों, ओ माई गॉड। तो ये देखिए, ये ऐसे कीड़ों की बदौलत ही हमारा जो खाद है वो बनकर तैयार हुआ है दोस्तों। तो जैसे हमने अंदर तो चाय पत्ती डाली थी, उसके बाद एक्सेल डाले थे, एक्सेल के अलावा हमने फ्रूट के छिलके सब्जियां डाली थी, तो और हम जब कटिंग करते हमारे प्लांट्स की तो वो कटिंग के जो पत्ते बच जाते हैं वो भी सूखे हुए अंदर हम डालते थे, तो उन सब का ये मिट्टी कैसे बन जाता है दोस्तों। तो ऐसे ही कीड़े जो होते हैं, और इसके अलावा अर्थवर्म होते हैं दोस्तों कुछ, वो अर्थवर्म जो होते हैं वो इन सब चीज़ों को खाते हैं, और खा के जो उनका वेस्ट जो होता है वो एक मिट्टी के रूप में होता है दोस्तों, जो आप देख सकते हैं पूरा अच्छे से कंपोस्ट, फिर मतलब सीधा हम कुछ भी चीज़ ऐसे सीधी यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें उसे सड़ाना पड़ता है, और सड़ाने के लिए ये कीड़े हमें यूज़फुल होते हैं दोस्तों। और ये कीड़ों के बदौलत ही हमारा ये फर्टिलाइज़र नेचुरल खाद तैयार हुआ है दोस्तों, और इसमें अच्छे खासे एक्सेल भी है दोस्तों, एक्सेल में कैल्शियम बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों, जो हमारे प्लांट को भी ज़रूरत पड़ती है। तो लगता है इस बार बहुत ही हेल्दी सॉइल मिक्सर हमने तैयार किया है दोस्तों। और इसके अलावा थोड़े एग हमारे यहाँ एक्सेल पड़े थे, तो हम इसे भी यूज़ करने वाले हैं दोस्तों, क्रश कर देते हैं और अच्छे से इसको अच्छे से बिछा देते हैं। अब इसे मिक्स भी करना पड़ेगा दोस्तों, तो मिक्स भी कर देते हैं। और ये देखिए हमारा प्लांट जो रिपोर्ट के लिए रेडी है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ कैसी है, और इसे हमने निकाल दिया है उस पॉट से। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी, और इसकी रूट देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी हेल्दी रूट है दोस्तों, और ये लगता है इसके अंदर जाते ही इतनी अच्छी ग्रोथ देने वाला है हमें दोस्तों, बहुत ही बढ़िया हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा आगे कुछ महीनों के बाद दोस्तों। और रूट तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, और लगता है पूरा सा बॉन्साई लुक देगा, क्योंकि दोस्तों पॉट सेलो है और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी खासी हो चुकी है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने ग्रो कर दिया है, कुछ भी नहीं किया, कुछ मिट्टी बीच में से हटाई और जेंटली से बीच में रखा, और आजू बाजू की जो सॉइल थी उसे प्रेस कर दिया दोस्तों। सो फ्रेंड्स, एज आई सेड, जैसा मैंने पहले बोला था दोस्तों, ये बॉन्साई लुक देने वाला है दोस्तों। तो ये देखिए आपके सामने जो मैंने रिपोर्ट किया है दोस्तों, आप ही कमेंट में बताइए दोस्तों, ये बॉन्साई लुक दे रहा है या नहीं दे रहा है। लगता तो है मुझे बॉन्साई लुक दे रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।